जय माता दी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके साथ आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए हैं। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुँचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तक्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी को क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग निद्रा द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उनके ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी के साथ ही हुआ। पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में वह शिव जी की अर्धांगनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नव दुर्गा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनके योग साधना का प्रारंभ होता है।